हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा भुवन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का गुड मॉर्निंग। तो आप बताइए, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करती हूँ अच्छे से रहिए, हम लोग भी अच्छे से हैं। तो चलिए, अभी पीयू तो कहीं नज़र नहीं आ रही है, पीयू की तरफ से हम गुड मॉर्निंग बोल दे रहे हैं, क्योंकि अभी वो गई है दादी के पास। दादी के पास क्यों गई है? तो गई, आज उसका फर्स्ट डे है स्कूल का, तो आज स्कूल जा रही है। तो दादी का पैर छूने के लिए गई, उसके पापा लेके गए बाबू, तो दादी का पैर छू के फिर वहीं से स्कूल निकलेंगे। तो चलिए, आप लोग ब्लॉग बने रहिए। हम तो बहुत मतलब खुश हैं, मेरी बच्चिया मतलब आज से स्कूल जाना स्टार्ट कर रही है। पता नहीं वो क्या करेगी स्कूल में, हम लोगों को तो बैठना पड़ेगा आधा घंटा स्कूल में, तो पता नहीं क्या करेगी वो। तो चलिए, आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। तो ये रहा पीहू, आ गई है, देखिए अब स्कूल जाने के लिए रेडी भी हो गई है। भारी है बेटा बॉटल, तो मम्मा पकड़ लेगी। अच्छा चलिए चलिए, सूरज लाइट फैन ऑफ कर। यू का ये बैग, चलो दरवाजा बंद करके चलिए। पापा आ रहे, अब चलिए ना। हट सूरज, तुम काम नहीं है, आइए बेटा। चले क्या हटा है? हेलो, अच्छा अच्छा ठीक है। इनके पीछे छोटे छोटे बाबू, छोटा छोटा सब बाबू सब हैं, छोटा छोटा बाबू आ गए थे। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, चलो बॉटल उसका पकड़ लेते ना, और नहीं छोड़ेगी बॉटल। अच्छा ठीक है, पकड़े रहिए पकड़े रहिए। पीयू बैठे ही ना बेटा, बॉटल में नाम लिखना पड़ेगा। तो चलिए, पीयू स्कूल से आ गई थी, आके फिर थोड़ा सोने के लिए रो रही थी, सोई थी, सो के उठी है, और अभी एप्पल खा रही है। देखिए क्या खा रही है पीयू, एप्पल खा रही है, रखी हुई है, हम काट के दे दिए है, वो अपने से खा रही है। स्कूल में तो आज फर्स्ट डे स्कूल था, तो बहुत अच्छा से मतलब अंदर गई स्कूल, मतलब अंदर घुसी बहुत अच्छा से। फर्स्ट में तो रोई नहीं, हम लोग तो देखे रोई नहीं। क्या हुआ ना, मतलब एक दो बच्चा आने लगे, तो वो लोग बहुत रो रहा था, तो ये देख के ना मतलब एक दूसरे को देख के मतलब रोना स्टार्ट, तो ये भी पापा पास जाना है, पापा पास जाना है, तो करके रोने लगी। तो हम लोग तो बाहर में बैठे हुए थे, हमारे बाबू करीब आधा घंटा हम लोग बाहर में बैठे हुए थे। तो टीचर बोले अभी न्यू है, मतलब फर्स्ट डे है, तो अभी आधा घंटे इसको हम लोग बैठाएंगे, और जब बैठने सीख जाएगी तो डेढ़ घंटा, हाँ एक डेढ़ घंटा फिर क्लास होगा इसका। तो हम लोग फिर बाहर में बैठे हुए थे, तो फिर एक दो बच्चा को देखी रो रही थी, तो ये भी रोने लगी, पापा पास जाना, पापा पास जाना। तो फिर वो आई, आ गई जल्दी। ना पीयू क्या पढ़े स्कूल में, बोल दीजिए। बोल रही टीचर मारेगा नहीं, टीचर को हमें मारेंगे बोल रही। क्या क्या बोलती है आजकल का बच्चा लोग ना, कंप्यूटर दिमाग है, मतलब जो मतलब क्या बोलेंगे, सिखाना नहीं पड़ेगा, खुद मतलब सीख जाएगी, ऐसा है। अब मेरी बेटी तो इतनी इंटेलिजेंट है ना, उसको मतलब कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा, वो सब जानती है।
मतलब कोई किसी का नाम उसका सामने ले मतलब ले लेंगे ना, तो वो भी दिमाग में रखती है कि इसका नाम वो है बोल के, वो तुरंत बोल देती है। तभी एप्पल खा रही है, मेरे भी घर का तो हम सारा काम कर लिए सुबह ही, हम भी सुबह जल्दी उठे हैं, आज से हम लोग रूटीन चेंज है, तो हम लोग दोनों सुबह जल्दी उठ गए थे और हम सुबह जल्दी खाना बना लिए थे क्योंकि वहाँ भी जाके आधा घंटा हमको बैठना है, तो वहाँ बैठेंगे तो फिर टाइम थोड़ा लगेगा, फिर आके ना करने का कुछ मन नहीं करता है, तो हम सुबह चावल दाल बना के ही गए थे, सिर्फ सब्जी बनाना रह गया था। देखिए हम चावल दाल बना के गए थे, ये रहा चावल, इसमें दाल है, और हम नाश्ता भी किए नहीं थे सुबह, इतना भूख लग रहा था, हम आते साथ मैगी बनाए और खाए, मैगी का कढ़ाई वो खा ली है, मैगी बना के हम खाए। ये भिंडी रखा हुआ है तो भिंडी का भुजिया करेंगे, और सब्जी लेते हुए आए हैं मार्केट से, वहाँ से कुछ सब्जी भी नहीं था घर में तो फिर सब्जी लेते हुए आए हैं। ये साग है, साग बनाएंगे और सब्जी सब है, वो साग बनाएंगे और सब्जी सब है तो वो सब खाली करके फ्रिज में रख देंगे धो के। तो बाबू भी सोए हुए हैं, देखिए ना पीयू का ब्लैंकेट उड़ा दिया, पीयू का ब्लैंकेट उड़ के सो रहे हैं, पीयू पापा क्या उड़ के सो रहे हैं, पीयू का ब्लैंकेट उड़ के बाबू सो रहे हैं। तो चलिए आज फर्स्ट डे पीयू का स्कूल, बहुत अच्छा से मतलब पीयू गई है, रोई तो नहीं हम लोग देखे, एक दूसरे को देख के बस रोना स्टार्ट किए, लेकिन स्टार्टिंग में तो नहीं रोई, बहुत अच्छा से अंदर गई, अपने से बॉटल रखी, बैठी अपने से जाके, बहुत अच्छा लगा, आदत हो जाएगा धीरे धीरे ना पीयू। तो चलिए हम भी जा रहे हैं, सुबह में मशीन भी चालू किए तो बहुत सारा कपड़ा था धुलाई होने का, मतलब धुलाई तो हो गया है बट सुखा नहीं पाए हम, क्योंकि सुबह उठ के हम पहले हम सोचे घर का सारा काम खत्म कर लेते, खाना वाना बना लेते, उसके बाद कपड़ा आराम से सुखाएंगे, तो सिर्फ कपड़ा सुखाना मेरा रह गया। अभी हम जा रहे छत कपड़ा सुखाने के लिए, कपड़ा सुखा के फिर हम आ रहे हैं, तब तक अपने ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए। नहीं बेटा बहुत धूप है छत में, छत में नहीं जाना बेटा, बहुत धूप है, आप घर में रहिए ठीक है।